आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सीएम हेमंत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे लेक्चर, आदिवासी अधिकार और विकास पर बोलेंगे। नशेड़े पिता ने 1.5 साल की बच्ची की पटक कर ले ली जान, लालू से मिले बड़े लाल तेज प्रताप, कहा बिहार में जल्द गिर जाएगी सरकार। पुलिस पर बम से हमला कर भाग रहे टीपीसी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, एयरगन समेत 4 राइफल बरामद। पुलिस से लूटे गए हथियार के साथ टीपीसी कमांडर गिरफ्तार। लातेहार में 8.5 लाख रुपए के साथ 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए खरमास बाद शुरू होगा धन संग्रह अभियान। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। लालू प्रसाद यादव के बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुनिया की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। आदिवासी अधिकार और विकास के साथ कोरोना काल में किए गए प्रबंधन पर उनका व्याख्यान होगा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किए गए कार्यों की तारीफ केवल राज्य में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भी हो रही है। इसे देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक लेक्चर प्रोग्राम के लिए आमंत्रण भेजा है। यह लेक्चर 20 फरवरी 2021 को होना है। हेमंत ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्हें आदिवासियों के अधिकार, विकास और कल्याण के मुद्दे पर भी बोलना है। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गिनती विश्व की जानी मानी शैक्षणिक संस्थाओं में होती है। राज्य गठन के बाद बने मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित संस्था ने लेक्चर देने के लिए निमंत्रण भेजा है। राजधानी रांची के चुटिया इलाके के मुकचुंटोली में शनिवार की सुबह एक नशेड़ी पिता ने अपनी ही 1.5 साल की बेटी की पटक कर जान ले ली। घटना शनिवार सुबह की है। बताया गया कि सुबह में बच्ची जोर जोर से रो रही थी। इससे झल्लाए पिता ने दूध मुही बेटी को उठाकर फर्श पर पटक दिया। इससे बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी पिता का नाम गौतम प्रसाद है। हादसे के बाद घर में चीख पुकार मच गई। लोग बच्ची को उठाकर चिकित्सक के पास ले गए लेकिन चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चुटिया थानेदार रवि ठाकुर ने कहा कि गौतम प्रसाद को नशे की लत है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था। इसके बाद भी उसकी नशे की लत नहीं छूटी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव शनिवार को पिता से मिलने रिम्स पहुंचे थे। पिता से मुलाकात कर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार पर भी हमला बोला, कहा कि नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो गया है, हर जगह से जदयू में टूट हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द बिहार में सरकार भी गिरने वाली है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार में हमसे ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। भाजपा का काम है कि वो सभी पार्टियों को खा जाती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सरकार पूरी तरह फंस चुकी है। गुमला पुलिस ने विशुनपुर थाना क्षेत्र के हिलता गांव से टीपीसी उग्रवादी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई में 4 उग्रवादी भागने में सफल रहे। पुलिस जब छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंची तो उग्रवादियों ने 2 बम जवानों पर फेंका और भागने लगे। इस दौरान पुलिस किसी तरह बच गई और 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3.15 बोर की एक राइफल, 1-2 नाली बंदूक, 1 देशी पिस्टल, 1 एयरगन, 11 गोलियां, डेटोनेटर के 1-2 और 3 सेट बरामद किए। गिरफ्तार उग्रवादियों में प्रभात मुंडा उर्फ राकेश, अमित उराव उर्फ अमित भगत, इंद्र कुमार गोप, दिलीप उराव और राहुल महली शामिल हैं। लातेहार पुलिस ने टीपीसी कमांडर विगन भुइया को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रशांत आनंद की गोपनीय सूचना पर पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के रजवार गांव में उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से एसएलआर राइफल बरामद किया गया है जो पुलिस रेगुलर राइफल है। एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि यह राइफल पुलिस का रेगुलर राइफल है। राइफल उग्रवादी के पास कैसे पहुंची इसकी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि गत दिनों पुलिस और टीपीसी के बीच मुठभेड़ में बिगन भुइया शामिल था। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लातेहार पुलिस ने अफीम तस्कर गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 8,50,000 रुपए नगद भी बरामद किया है।
एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी धीरेन्द्र महतो के घर छापेमारी की। पुलिस को देखते तस्कर भागने लगे, परंतु पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। छानबीन के दौरान पुलिस ने उनके पास से 8,50,000 रुपए बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों में धीरेन्द्र महतो, दिलीप प्रसाद, रविंद्र गुप्ता बालूमाथ के रहने वाले हैं, जबकि रिंकू कुमार बिहार का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी ने कहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह 15 जनवरी से 27 फरवरी तक पूरे देश में अभियान चलेगा। इस अभियान में देश भर से संघ परिवार के 50 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके लिए लगभग 10 लाख टोलियां बनाई गई हैं। 44 दिनों में 5,23,000 गांवों के 13 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा। वह रांची में शनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। सोहन सोलंकी ने कहा कि देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का इंतजार है। सभी लोग इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।